बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन में औरंगाबाद पुलिस प्रशासन। ड्रोन से बालू माफियाओं पर रखी जा रही है नजर। कई बालू लदे वाहन जब्त, सोन दियारा के बालू माफियाओं में हड़कंप। बिहार के औरंगाबाद अवैध बालू उत्खनन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। औरंगाबाद के वारुण में विभिन्न जगहों पर सदर एसडीओ बिजयंत कुमार और एसडीपीओ अमानुल्लाह खान ने अपने दल बल के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 9 वाहनों को पकड़ा गया है। एसडीओ बिजयंत कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर वारुण के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान मंगरहिया, गठौली, इंग्लिश, कोचाड सहित वारुण, दाऊद नगर और नवीन नगर सड़क के विभिन्न जगहों पर वैध व अवैध घाटों का निरीक्षण किया गया। साथ इस दौरान ड्रोन के माध्यम से सोन दियारा का भी निरीक्षण किया गया। पकड़े गए सभी वाहनों के कागजातों की जांच भी की जा रही है। सत्यापन के उपरांत नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीपीओ अमानुल्लाह खान ने बताया कि वैध व अवैध दोनों घाटों पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित कर रेडमली किसी भी जगह पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही जो भी बालू के अवैध कारोबार में लिप्त है, वैसे लोगों की पहचान कर कार्यवाही करने की प्रक्रिया भी जारी है। इस दौरान थाना अध्यक्ष शमीम अहमद भी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मावार की रिपोर्ट। अवैध बालू खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज आपके द्वारा विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया गया है। कहाँ कहाँ निरीक्षण किया गया और क्या क्या कार्रवाई की गई है सर? हाँ, ये बात सही है। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी और वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पे हम लोगों के द्वारा और जो थाना स्तर पे जो थाना प्रभारी लोग हैं उनके द्वारा भी लगातार अवैध बालू के उत्खनन और ओवरलोडिंग और मानक के अनुसार सड़कों पे परिचालन हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज की भी कार्रवाई है, जिसमें कि सुबह 4 बजे से हम लोगों के द्वारा विभिन्न घाटों पे जैसे मगरहिया, गठौली, इंग्लिश, कोचार और बारू से नबी नगर के रोड पर और इधर दाऊद नगर की तरफ सभी तरफ सघन अभियान चला के और एसपी मैडम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्धता सभी थाना प्रभारियों के सहयोग से अभियान चलाया गया। जिस अभियान में कई गाड़ियों को का सत्यापन कराया जा रहा है। कुछ गाड़ियों पर जैसे पानी चूरा था और उसमें ओवरलोडिंग का आशंका थी तो उसको भी चेक कराया जा रहा है काटा करवा के। प्लस 2 गाड़ियां राख की थी जो खुले में जा रही थी, जो प्रथम दृष्टया ओवरलोडेड लग रही हैं, तो उनको भी चेक करवाया जा रहा है और उसके जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। तो जैसा भी होगा, अगर सही होंगी तो गाड़ियां छूटेंगी, अगर नहीं होगा तो फाइन के साथ उस पे जो भी कार्रवाई होगी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि अभी बालू घाटों की बंदोबस्ती हो चुकी है और ऐसे में अवैध खनन सोन नदी से बढ़ जाती है, इसके लिए प्रशासन किस तरीके से तैयार है सर? इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को जो सूचनाएं मिलती हैं, प्लस पब्लिक के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं, प्लस हमारा थाना स्तर पे लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है, सघन गश्ती की जा रही है और कहीं भी ऐसी आशंका आती है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। और इसी तरह अभियान अचानक से अभियान चलाते हैं हम लोग, प्री फिक्स नहीं रखते हैं और चला के उन गाड़ियों पे कार्रवाई की जा रही है जिससे अवैध उत्खनन पे रोक लगे। सर, हाल ही में सर बिहटा में या पिछले वर्ष या लगातार बालू के वर्चस्व को लेकर बालू घाटों जो वैध बालू घाट वहां भी गोलीबारी होती रही है सर, और इसी को लेकर लगातार प्रशासन पूरे बिहार में इस तरीके से तैयारी कर रही है, फिर लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है। अपने औरंगाबाद जिला में ऐसी क्या आशंका है और इसको लेकर क्या तैयारी है? अभी तक तो जो हम लोगों को आसूचनाएं हैं कि ऐसे कोई वर्चस्व की लड़ाई अभी हमारे यहाँ प्रदर्शित नहीं हुई है और थाना स्तर पे जो सूचना हम लोगों को मिल रही है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन उसके उसके बावजूद भी हम लोग थाना स्तर पे बहुत ही अलर्ट मोड में हैं और सभी का जो सरकार के द्वारा बंदोबस्ती की गई है उनको जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार वो अपने घाटों से बालू का खनन करें लीगल रूप से, और अगर इलीगल करेंगे तो उस पर माइनिंग के द्वारा थाना प्रभारी और परिवहन के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और हम लोगों के द्वारा भी लगातार रेड वगैरह किया जा रहा है और एसपी मैडम के द्वारा भी कई बार फील्ड विजिट किया गया, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में देखा भी होगा। की बंदोबस्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी हम लोग के परिक्षेत्र में दो घाटों और बालू की जो रेट माइनिंग के द्वारा तय किया जाता है और माइनिंग के माध्यम से ही कार्रवाई होती है, इस संबंध में डिटेल विवरणी हो दे पाएगी। अवैध बालू को लेकर लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है,
साथ ही लगातार विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया भी जा रहा है। ऐसे में आज अहले सुबह से ही लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाए, इस दौरान क्या कार्रवाई की गई, किन किन घाटों का निरीक्षण किया गया सर? अवैध कारोबारियों के विरुद्ध में एसपी मैम के द्वारा लगातार मतलब टीम गठन किया गया है, जो अकस्मात जो है सीनियर अफसर के मैंने जो ये हैं एसडीओ साहब और इनके और भी स्टाफ हैं, इनके सहयोग से हम लोग लीगल घाट से के निगरानी रख रहे हैं। अवैध घाटों पर भी लगातार हम लोग सिविल और पुलिस के माध्यम से हम लोग उसका सूचना संग्रहण कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कार्रवाई के क्रम में हम लोग कुछ रोड पे भी जो गाड़ी परिचालन हो रही हैं वो नियमानुकूल चल रहे हैं कि नहीं, मानक के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, इसका भी सत्यापन किया जाता है। उसी क्रम में कुछ गाड़ी को आज डिटेन करके उसकी जाँच कराई जा रही है और अगर गलत होंगे तो उसका मतलब जो लीगली रूप से विभाग के द्वारा उसको दंड जुर्माना कराया जाएगा। ये हम लोग की प्रक्रिया लगातार चलते रहेंगी और हमेशा इस पर हम लोग की नज़र है और किसी भी तरह की सूचना होने पर आम लोग से भी सहयोग है कि सूचना दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अब अपने तन से हम लोग अपनी सूचना पर कार्रवाई लगातार चलता रहे। अवैध खनन में सबसे बड़ी भूमिका एक लाइनर की होती है सर, और लाइनर कहीं ना कहीं गाड़ियाँ पकड़ा जाती हैं, चालक पकड़ा जाता है, लाइनरों की संख्या कम है सर पकड़ाने में, ऐसे में पुलिस क्या कर रही है सर? लाइनर के भी हम लोग उसको टेक्निकल रूप से पता लगा के उनकी निगरानी हम लोग रख रहे हैं, कंप्लीट सूचना अगर उनकी संलिप्तता पाई जाए कि उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।